नाजरीन, पाकिस्तान की सरजमीन में सकाफती रंगों का इम्तिजाज है। देसी खाने और खुराक पंजाब के लोगों की पहचान है। जहां दीगर देसी और खालिस गजा पंजाब का खासा है, वहीं शकर और गुड़ भी हमारी गजा का लाजमी जुज्व है। फैसलाबाद के गांव में ऐसे ग्रुप और एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से चौथे लायल पुरियन गुड़ मेले का एहतमाम किया गया। सकाफती सरगर्मियों से भरपूर मेले में देहात की खालिस फूड आइटम्स की नुमाइश की गई। गन्ने के रस से बनाया गया बादामों वाला गुड़ शुरका की तवज्जो का मरकज बन गया। शुरका इससे खूब लुत्फंदोज हुए। मेले में चेयरमैन एग्री टूरिज्म बाबर राजा, सीईओ एग्री टूरिज्म तारिक तनवीर, सीईओ ग्रीन सर्कल साजिद इकबाल सिंधु, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स शब्बीर हुसैन चावला, सीईओ नेशनल हर्ब एंड स्पाइस हसनैन शाह और फैमिलीज ने शिरकत की। शब्बीर हुसैन चावला ने इस मौके पर ऐसे ग्रुप मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं तमाम शुरका, एग्री टूरिज्म, ग्रीन सर्कल और ऐसे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने लोगों को आगाही फराहम करने के लिए इस गुड़ मेले का एहतमाम किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं चैम्बर की जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉर एग्रीकल्चर, वो खालिद शाह साहब उसके चेयरमैन है, उन्होंने और साजिद संधू साहब जो कि एग्रेरियन है, ग्रीन सर्कल उनकी कंपनी है, और तारिक तनवीर साहब ने, इन सब ने मिलके यहाँ पे एक मेला सजाया है। मैं सब जो आने वाले मेहमान हैं उनको खुश आमदीद भी कहता हूँ, और इंशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ जो हैं इंशाल्लाह चलती रहेंगी, इंशाल्लाह अगले सालों में भी और आने वाले टाइमों में भी ये इंशाल्लाह एक्टिविटीज जो हैं वो भरपूर हम इंशाल्लाह करेंगे। चेयरमैन एग्री टूरिज्म बाबर राजा ने कहा इस मेले का मकसद खालिस देसी फूड से मुतारिफ करवाना है। गन्ने की प्रोडक्शन का बड़ा मेजर एरिया है पाकिस्तान में, और यहाँ से तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो गुड़ बनने के लिए जो गन्ना है वो सप्लाई होता है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है सब पूरे पाकिस्तान के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी कि जो चीनी है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। वाइट शुगर में 27 से 28 केमिकल ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिसकी वजह से हमारे पैनक्रियाज में पथरी आती है, उसकी वजह से हमारे पैनक्रियाज कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता कि किस हिसाब से इंसुलिन बनानी है, और 8-10 साल में इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता और फिर हम दवाइयों पे और इंसुलिन पे चले जाते हैं। तो इसको इसका बेहतरीन इलाज यही है कि हम अपनी वापस पुरानी ज़िंदगी में वापस जाएं, शुगर को कन्वर्ट करें गुड़ में और शक्कर में, और अपनी सेहत की तरफ वापस जाएं, अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस जाएं। एग्री टूरिज़्म बेसिकली पूरे पाकिस्तान में जहाँ कोई क्रॉप तैयार हो रही है वो उसको एक सेलिब्रेशन की तरफ लेके आ रहा है। डायरेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप एग्री टूरिज्म हसनैन शाह ने कहा कि ये एक अच्छी काविश है, लोग घरों से निकलकर इन खालिस अशिया को देखकर बहुत खुश हुए हैं। यहाँ पर बादामों वाला गुड़ सबसे मशहूर है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, हम लोग तो खुद कराते रहते हैं क्योंकि मैं एग्री टूरिज्म से भी मेरा ताल्लुक है, तो काफी अच्छी काविश है एग्री टूरिज्म की तरफ से कि लोगों को घर से निकाल रहे हैं हम लोग। वो जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है बच्चों की, उससे दूर करने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे लोगों का कि मेरी तवक्को से ज्यादा रिस्पांस है इस दफा। सीईओ ग्रीन सर्कल साजिद इकबाल सिंधु ने कहा गुड़ मेला हमारे बुजुर्गों की रिवायत है, हमारी इसी रिवायत को बरकरार रखने के लिए हमने ऑर्गेनिक गुड़ के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए इस मेले का एहतमाम किया। गुड़ मेला जो है ये हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की रिवायत है, हमने इस रिवायत को जिंदा किया है। इस रवायत को ज़िंदा करने की दो बड़ी वजह हैं, एक तो ये कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन जो है उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो उनको स्ट्रीम लाइन में रखने के लिए, बुज़ुर्गों के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट रखने के लिए हमने ये मेला यहाँ पे परफॉर्म किया है। और दूसरी चीज़ जो है हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए हमारा ये मेला जो है बड़ा जरूरी था। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स ओवरसीज एग्री टूरिज्म ताहिरा रसूल ने कहा कि आज की मसरूफ जिंदगी में इस तरह की सरगर्मियों से लोगों को तफरीह का मौका मिलता है। बहुत बहुत अच्छा, लेके बहाने से सब लोग जहाँ यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं, लुक कितनी लाइक हैप्पी एनवायरनमेंट है। सबसे तो पहले ये सबसे बड़ी बात है, आजकल किसके पास टाइम है कि इस तरह से इकट्ठे हो, लाइफ को एंजॉय करें। ये चीजें मुझे लगता है कि खत्म हो चुकी थी, तो ये सबसे पहले तो ये है। उसके अलावा ये जो है मतलब कि एशियन फूड सारे का सारा, वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। ये गुड सबसे हेल्थी चीज है, चीनी हमारे लिए जहर है। मेले में शरीक फैमिलीज और बच्चे गुड़ से बनी अशिया और खालिस देसी घी के पकवान से लुत्फंदोज होते रहे। जी बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मजा आया हमें, बच्चों को हम लेकर आए, दिखाया हमने किस तरह से गुड़ बन रहा है। हमें एग्री टूरिज्म का जैसे पता चला कि यहाँ पे गुड़ मेले का गुड़ मेला है,
तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने भी फिर ऑब्वियसली साथ उनके तावुन किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। एग्री टूरिज्म हमें बताता है कि हमने जो चीज़ है ना डायरेक्ट फार्मर का भला करना, फार्मर ने डायरेक्ट बेचनी है चीज़, अगर ये 10 रुपए वाली चीज़ है उसको 100 रुपए में उसको वैल्यू एडिशन करनी है उसकी। बहुत ही अच्छे तरीके से मेक श्योर किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक हो, अच्छा हो, टेस्ट भी अच्छा हो, अफोर्डेबल भी हो, तो काफी अच्छा है, काफी अच्छा फील हो रहा है। जब मैं टोरंटो में था तो वहाँ मैंने इनकी वेबसाइट देखी, पिनट्स का था, दूसरा तीसरा का था, तो मैंने कहा चलो जब मैं जाऊँगा तो मैं भी अटेंड करूंगा। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज लाइक दूसरी हुई है, यहाँ पे देसी फूड्स मिल रहा है जिस तरह के साग और मकई की रोटी, और वो मतलब के हमारे ज्यादातर लोग इन चीज़ों को नहीं आगे करते, लेकिन हम लोग अब मसलन इन हमें इस काफत लोगों को बतानी चाहिए। एग्रो टूरिज्म वाले ये खालिद साहब हैं, खालिद शौक साहब हैं, तारक तनवीर साहब हैं, लोगों के साथ मिल के ये लोग देखें, हम यहाँ पर रहते हैं, हमें लोगों को हमारे कल्चर का ही नहीं पता ना, तो इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इस गांव के अंदर पूरा एक माहौल बनाया गया। मौजूदा मसरूफ जिंदगी में इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद न सिर्फ हमारी सकाफत को फरोग देने में मुआवन साबित होगा, बल्कि पाकिस्तान की मईशत के पहिए को रवा रखने में भी कुलीदी किरदार अदा करेगा। इस जिमन में हुकूमती सतह पर इन सरगर्मियों को फरोग देने की जरूरत है।